तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक कैफे पर। दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल काकुमी का पार्ट 8 कवर करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि आखिर हमारे जी फाइटर्स इतने बड़े थ्रेट के सामने क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोकू इस वक्त फ्रीज हो चुका है, इसी वजह से वेजिटा और गोहान की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आज हम वही देखेंगे। ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है और उनके क्रिएटर्स से जुड़े सभी के सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और क्रिएटर्स को अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैंने चैनल पे काफ़ी सारी फैन मांगास और कवर कर रखी हैं, तो अगर आपको ड्रैगन बॉल की ऐसी ही फैन मांगास पसंद हैं तो आप चैनल पे काफ़ी सारी फैन मांगास देख सकते हैं। हम लोग इस चैनल पे 100K के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि गोहान लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर रहा है। सबसे पहले वो केडेन के घर जाता है। जैसे ही गोहान केडेन के घर पर पहुँचता है, उसे केडेन नंबर 18 और मैरन दिखती है। वो सभी को हाय बोलता है और सभी उसे हाय बोलते हैं। केडेन गोहान को देख के खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। गोहान बोलता है कि मैं ठीक हूँ। वैसे क्या तुम्हें पता है कि यामचा और टीएन कहाँ पर हैं? केडेन कहता है कि तुम्हारी किस्मत तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो लोग भी यहीं पर आए हुए हैं और हमारे घर के अंदर हैं। गोहान कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पर आप सभी को एक बात बताने आया था। मैं जानता हूँ कि अगले 2 साल तक आप लोगों को किस तरीके की ट्रेनिंग करनी है। केडेन थोड़ा सा चुप हो जाता है और बोलता है कि रुको, थोड़ी तसल्ली रखो, और ये बोल के वो हंसने लग जाता है। केडेन इस लड़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और उसे नहीं पता कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना भी चाहता है या नहीं। इससे पहले कि केडेन कुछ बोल पाए, एकदम से गोहान का फ़ोन बजने लग जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा होता है। वेजिटा के पास वीस और बीरस आए हुए होते हैं। वेजिटा बोलता है, गोहान मैं वीस के साथ हूँ और उसने मुझे अभी अभी बताया कि कैकरोड भी यूनिवर्स जीरो में था और ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे भी फ्रीज कर दिया है। गोहान, केडेन, 18, ट्रंक्स और गोटेन ये बात सुन के सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम वापस पिकलो के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अभी भी मेडिटेशन कर रहा होता है। वो जानता है कि कौन लोग उससे मिलने आए हैं। वो लोग बोलते हैं कि नेमेक, तुम जानते हो कि हम कौन हैं और अगले 2 साल तक हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। पिकलो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। एक नेमेक बोलता है कि हमें लगता है कि हम सभी के पास कुछ ऐसा है जो हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। पिकलो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है, पर उससे पहले मैं अपना एक काम करना चाहता हूँ, और ये बोलकर एकदम से पिकलो खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम प्लैनेट वैम्पा को देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लैनेट वैम्पा पे एक शिप लैंड करी होती है और उस शिप के सामने ब्रोली, चिलाई और लीमो खड़े हुए होते हैं। आखिरकार उस शिप का दरवाज़ा खुलता है और चिलाई एकदम से पहचान जाती है कि उस शिप के अंदर कौन है, और वो बुलमा को हाय बोलती है। बुलमा शिप से बाहर उतरती है और उसके साथ जैको होता है। बुलमा एकदम से ब्रोली को देखती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा लंबे होगे। बुलमा को ब्रोली से बात करता हुआ देखकर चिलाई का गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है कि आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। बुलमा बोलती है कि मुझे लगता है कि आसमान में तुमने उस बहुत बड़ी ब्लैक सी बॉल को देखा होगा। सही कहा ना? लीमो बोलता है कि अच्छा, क्या तुम्हें भी वो अजीब सा ड्रीम आया था? बुलमा बोलती है, ड्रीम नहीं, वो कोई ड्रीम नहीं था, वो सच में ग्रैंड प्रिंस थे। लीमो बोलता है, नहीं, वो एक ड्रीम था, हम तीनों को एक जैसा ड्रीम आया था। बुलमा बोलती है, बड़ी अजीब सी बात है। बुलमा बोलती है कि शायद मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ है। शायद जिस वक्त ग्रैंड प्रिंस ने अपनी अनाउंसमेंट करी, तुम सभी शायद उस समय सो रहे होगे। शायद ग्रैंड प्रिंस के सामने कोई और चारा नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय बिलियंस ऑफ लोग सो रहे होंगे और उनके पास उस अनाउंसमेंट का कोई और चारा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने एक सपने के तौर पर उस अनाउंसमेंट को किया होगा। चिलाए, लीमो और ब्रोली ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं और चिलाए पूछती है कि क्या ये बात सच है। बुलमा उन्हें बताती है कि हाँ, ये बात सच है। चिलाए बोलती है कि इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है। बुलमा बोलती है कि हाँ, इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। तभी एकदम से बुलमा को एक फ़ोन आने लग जाता है और ये कॉल वीस का होता है। वीस बुलमा को बुरी खबर देता है और गोकू के बारे में बताता है। बुलमा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोहान केडेन के घर के अंदर है और वहाँ पर मास्टर रोशी, टीएन और यामचा भी हैं। गोहान सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है, दोस्तों, डैड के बिना भी हमें इस वॉर को जीतना होगा। हम सभी को अपना रोल प्ले करना होगा। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि आप सभी के लिए क्या ट्रेनिंग सही रहेगी। केडेन अपनी ताकत का लेवल जानता है और वो इस बात से काफ़ी निराश होता है। वो बोलता है, गोहान, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, जबकि मैंने खतरनाक वॉरियर्स का सामना भी नहीं किया था, और ये वॉर तो दुनिया के सबसे ताकतवर देवताओं के खिलाफ है, तो इसमें मैं क्या कर पाऊँगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं सभी को गोकू की तरह एक स्पीच दे सकूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पर मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मास्टर रोशी भी सेम बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं केडेन की बात से सहमत हूँ।
मैं लड़ना चाहता हूँ, पर मैं करीब 350 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकता हूँ। ट्रेडिन बोलता है कि शायद मेरे सोचने का तरीका गलत हो सकता है, पर मैं यहीं रहना चाहता हूँ अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ। ये बात सुनकर एटीन हैरान रह जाती है। गोहान बोलता है कि मेरे डैड ना जाने कितने सालों से इस दुनिया की रक्षा करते आए हैं और अपनी जान को दांव पे लगाते हुए आए हैं, वो भी बिना किसी डर के। अगर तुम अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, पर इस वक्त मेरे डैड और ना जाने कितने बिलियन लोग हमारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। क्रेडेंट गोहान की ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसे क्या करना है। यामचा बोलता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। टीएन बोलता है कि मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। नंबर 18 एकदम से खड़ी होती है और केडेन को बोलती है कि केडेन मेरे साथ चलो। 18 केडेन को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है ताकि वो उसे समझा सके। वो बोलती है, केडेन मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त जो कर रहे हो वो हमारे लिए ही कर रहे हो, पर ये लड़ाई सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों की जानों के बारे में है। केडेन बहुत ज़्यादा परेशान लगने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, पर मैं किसी फैसले पर नहीं आ पा रहा हूँ। 18 बोलती है कि तुम चाहे जो मर्जी फैसला करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगर तुम लड़ने का फैसला करोगे तो मैं लड़ूंगी, अगर तुम रुकने का फैसला करोगे तो मैं रुकूंगी। ये बात सुन के केडेन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और आखिरकार वो अपने मन में एक फैसला पक्का कर लेता है। इसके बाद हम कैप्सूल कॉर्प पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स ब्रा को अपने हाथों में लेके रो रहा होता है। वो बोलता है, ब्रा मैं जानता हूँ कि अगले 2 साल तुम्हारी ज़िंदगी जितने ही लंबे हैं, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। ये बोलते बोलते ट्रंक्स की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी होकर एक बहुत ही ताकतवर प्रिंसेस बनोगी। तभी हम वेजिटा और गोटेन को देखते हैं। वेजिटा गोटेन को आगे जाने के लिए बोलता है और बोलता है, ट्रंक्स बहुत हो गया, अब चलो और जाओ और उस क्यूब के अंदर चले जाओ। वो ब्रा को ट्रंक्स के हाथों में से अपनी गोद में ले लेता है और सबके बाहर जाने का इंतज़ार करता है। वेजिटा इसके बाद ब्रा को देखता है और बोलता है कि मेरी प्रिंसेस चिंता मत करना, तुम्हारे डैड जल्दी वापस आएंगे। जैसे ही 20 वेजिटा और बाकी सभी का जाने का टाइम हो रहा होता है तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है। उस ट्रक के अंदर से बुलमा के डैड निकलते हैं और वेजिटा बोलता है कि ब्रा का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। बुलमा के डैड यानी कि डॉक्टर ब्री फंसते हैं और बोलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार वो मेरी ही ग्रैंड ऑर्डर है और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और एक्साइटिंग काम हो। इसके बाद हम फिर से ट्रंक्स को देखते हैं जो ब्रा को गले से लगाकर रो रहा होता है। वेजिटा जाकर उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, ट्रंक्स अब चलने का समय हो गया है। ट्रंक्स इसलिए रो रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि अगले 2 साल तक वो अपनी बहन से नहीं मिल पाएगा। वेजिटा बोलता है कि गोहान और बाकी सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और इसके बाद वो उस क्यूब के अंदर घुसने लग जाते हैं जो 20 वहाँ पर लेकर आया होता है ताकि वो दूसरे यूनिवर्स में जा सकें। और इसके बाद हम मास्टर रोशी, 18 और गोहान को देखते हैं। हम देखते हैं कि केडेन अपना फैसला ले चुका है। केडेन ने ये फैसला लिया है कि वो लड़ेगा और 18 यहीं पर रह के और उनकी बेटी का ध्यान रखेगी। केडेन बोलता है, गाइस चलने का समय हो गया है, हमें क्यूब तक पहुँचना है, इस लड़ाई में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। आखिरकार हमारी यूनिवर्स 7 की टीम एक बारी फिर से तैयार है और इस बारी भी वो अपनी पूरी जी जान से लड़ेंगे। और गोहान ने सभी की ट्रेनिंग को लेकर क्या क्या प्लान्स बनाए हैं ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इमोशन से भरी हुई थी तो मैं आपके व्यूज़ इस बारे में जानना चाहूँगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आपको इसमें कितना मज़ा आया, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हम 100K तक जल्दी पहुंच सकें। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।